पंचतंत्र की कहानी शेरनी का तीसरा पुत्र। बहुत समय पहले की बात है, घने से जंगल में एक शेर और एक शेरनी साथ रहते थे। उन दोनों में बेहद प्यार, अपनापन और भरोसा था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और रोज दोनों साथ में ही शिकार करने जाते थे। जो भी शिकार मिलता उसको मारकर आपस में बराबर बांट कर खाते थे। ऐसे ही उनका जीवन हंसी खुशी चल रहा था कि कुछ समय के बाद शेर और शेरनी दो पुत्रों के माता पिता बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने कहा कि अब से तुम शिकार पर मत जाना, घर पर रहकर अपनी और बच्चों की देखभाल करना। अब से मैं अकेले ही शिकार पर जाऊंगा और हम सब के लिए शिकार लेकर आऊंगा। शेरनी अब घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती और शेर अकेले ही शिकार पर जाता। उनकी जिंदगी मजे से चल रही थी कि एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि वो दूसरे जंगल में भी गया, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। आखिरकार थक हार कर वह खाली हाथ ही घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लोमड़ी का बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई दिया। शेर को पहले तो लगा कि ये बहुत ही छोटा बच्चा है, पर फिर उसने सोचा आज उसके पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है, तो वह इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ा, पर वह बहुत छोटा था जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका। वह उसे जिंदा ही पकड़कर घर ले गया। घर जाकर शेरनी उसने सारा किस्सा बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं मिला और वापसी में रास्ते में उसे यह लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया तो वह उसे ही मारकर खा जाए। शेर की बातें सुनकर शेरनी बोली, जब तुम इसे बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, मैं इसे नहीं खा सकती है। इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की ही तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगी और यह अब से हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बेटे को भी अपने पुत्रों ही तरह प्यार करने लगे और वो बच्चा भी शेर के परिवार के साथ घुल मिल गया और वो उनके साथ बहुत खुश था। वो अब उनके परिवार उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वह सारे ही शेर हैं। लोमड़ी का बच्चा भी इस अंतर को नहीं समझ पाया और न ही शेर के दोनों बच्चे। जब वो तीनों थोड़े और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन जंगल में खेलते खेलते उन्होंने वहाँ एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चे उस हाथी के पीछे शिकार के लिए लग गए, लेकिन वहीं लोमड़ी का बच्चा इतने बड़े हाथी को देख डर गया और डर के मारे वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ गया। लोमड़ी के बच्चे ने अपने भाइयों को भी हाथी के पीछे जाने से मना किया था, लेकिन वो दोनों नहीं माने। कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए, लेकिन उनका तीसरा भाई डर कर घर वापस भाग आया। अपने भाइयों की बातें सुनकर लोमड़ी के बच्चे को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटकर जमीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। शेरनी माँ की बात लोमड़ी के बच्चों को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ और हाथी को देखकर डर गया था। लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है और तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम लोमड़ी परिवार के हो और अपने परिवार के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं तुम्हारे दोनों भाई शेर परिवार के हैं,
जिस वजह से वह हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागे थे। शेरनी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्हें यह पता चलेगा वह तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही चले जाओ और अपने परिवार के लोगों के साथ रहो। तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लो। शेरनी से अपने बारे में अपना सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा वाकई डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहाँ से छिपकर भाग गया। कहानी से सीख: जंगल का अपना कानून है और हर जानवर का स्वभाव व आदत अपने परिवार पर ही होती है, फिर भले ही वो निडर और बहादुर लोगों के बीच रहे। वहीं दूसरी ओर ये कहानी यह भी बताती है कि शेर होने बाद भी लोमड़ी के बच्चे से प्यार व उसका पालन पोषण करना यही दर्शाता है कि जानवरों के मन में भी प्यार और दया का भाव होता है।